अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं जावेद इकबाल और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलासों पर 22 करोड़ रुपए का खर्चा, अमरीका और नेटो से ताल्लुकात की सिफारिशात का नया पर्चा, अमरीकी सफीर और मौलाना की मुलाकात का भी चर्चा। ममनुआ केमिकल कोटा स्कैंडल में वजीर आजम के बेटे को नोटिस, अली मूसा गिलानी हनीमून मनाने अफ्रीका चले गए। कल की चटान बाबर अवान आज पशेमान और खुद को मान लिया नादान। सियाचिन ऑपरेशन में खराब मौसम हायल, कैप्टन हलीम की वालिदा बेटे की याद में उदास लेकिन पुरअज़्म। हसास इदारों की मुखालिफत के बावजूद अमरीका को इस्लामाबाद में सिफारत खाने की तौसी की इजाजत, दस्तावेजात दुनिया न्यूज को मौसूल। उसामा के अहले खाना की फुटेज जारी, रिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई। साने हैं चलास के खिलाफ स्कर्दू समेत मुल्क भर में एहतजाज, गिलगित में कर्फ्यू बरकरार, 36 मगवी बाजियाब। शरीफ बरादरान ने यूनुस हबीब को 20 अरब रुपए हज जाने के नोटिस भिजवा दिए। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची की सड़कें सुनसान, रिक्शा टैक्सी के मुंह मांगे किराए, पिशावर और मुल्तान में भी ड्राइवर नाराज। जस्टम ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया, अंदरूनी सिंध मेट्रिक के पर्चे नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अम के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफिक। कराची में डोमिसाइल और पीआरसी ऑफिस के रिकॉर्ड रूम पर बकरियों का राज, कागज खाका कर किया भूख का इलाज। पाकिस्तान में क्रिकेट के दीवानों के लिए प्रीमियर लीग की खुशखबरी आ गई। और शहर बेमिसाल में हुआ फैशन वीक का आगाज।